निकल पड़े भेद द्वारिका की तरफ और हमें जाते जाते टाइम हो जाएगा, एक घंटा लग जाएगा और उधर 12 बजे मंदिर बंद कर देता है तो फिर 1 बजे के बाद खुलता है और अभी टाइम हुआ है 9 बज गया है अभी। तो जाते जाते हम लोगों को हेलो द्वारिका जाने में हमको 1 घंटा लग जाएगा और इधर चारों तरफ आपको पत्थर ज़मीन दिखेंगे क्योंकि भेद द्वारिका समुंदर के बीच है तो यहाँ पे खेतीबाड़ी नहीं होता है। आपको जितना दूर देखेंगे सिर्फ पत्थर ही पत्थर और कुछ नहीं है। और चलिए चलते हैं, जाते जाते बहुत कुछ दिखेगा। तो आप लोगों को अभी चारों तरफ समुंदर दिखेगा क्योंकि हम लोग एंट्री कर चुके हैं भेद द्वारिका के अंदर। और देखिए इस तरफ आप लोगों को नाव दिखेगा, अभी लो टाइड चल रहा है इसीलिए नाव सब ऊपर खड़ा है और जब हाई टाइड आता है तो नाव को पानी में उतार दिया जाता है। तो ऐसे इन लोगों का काम चलता रहता है और हम लोग कुछ देर में ही पहुँच जाएंगे भेद द्वारिका और स्टीमर से जो समुंदर है उसको पार करना है। और हम अभी बैठ गए हैं स्टीमर पे और कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे भेद द्वारिका। मतलब ये भेद द्वारिका ही है, समुंदर पार करते ही कृष्ण भगवान के मंदिर पहुंच जाएंगे। वहाँ से कुछ दूर चल के जाना पड़ता है और कुछ नहीं। और ये जो पक्षी देख रहे हैं आप लोग उड़ के आ रहे हैं ये सब समुंदर में ही रहते हैं और जब हम स्टीमर से समुंदर पार करते हैं तब ये सब उड़ते रहते हैं स्टीमर के ऊपर आके। और सब यात्री लोग इन लोगों को दाना देते हैं, बिस्किट मिलता है छोटा छोटा तो सब देते हैं, तो यही खाने के लिए बस आ जाते हैं ऊपर उड़ के। In your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. But somebody told me. हम अभी आ गए हैं भेद द्वारिका, स्टीमर से उतर चुके हैं और देख सकते हैं पानी है चारों तरफ, पानी ही पानी है। और स्टीमर से उतर के 5 मिनट चल के जाना पड़ता है, अंदर की तरफ है मंदिर और हम लोग उसी तरफ जा रहे हैं। धूप बहुत है, चलिए हम लोग मंदिर दर्शन करके बाहर आ गए हैं। और सॉरी मैं अंदर मतलब मंदिर की तरफ कोई फ़ोटो शूट नहीं कर पाई क्योंकि उधर फ़ोटो शूट करने ही नहीं दे रहा है, कोरोना के वजह से बहुत हाई अलर्ट पे है सभी पे, मोबाइल लेके आसपास भटकने ही नहीं दे रहा है मंदिर के। तो मैं बाहर आके जितना कर पाई शूट किया। तो ये सब घर सजाने का सामान है, सब समुंदर के देखिए छोटे छोटे शंख, बड़े शंख, मिरर भी है कितने अच्छे अच्छे। तो मैंने यहाँ से छोटे छोटे जो शंख आते हैं कड़ी बोलते हैं, वो हमारे में बंगाली में कड़ी बोलते हैं, वो जो दिख रहा है छोटा छोटा वही लिया लड़के के लिए, उसको खेलना है उससे नानी के साथ। ये देखिए ये सब भी यहाँ पे बहुत महंगा दे रहा था, पहले से भी महंगा थोड़ा कर दिया है यहाँ पे ये सब सामान, पर अच्छा लग रहा था तो मैंने यहाँ से कुछ नहीं लिया। हम अभी नागेश्वर मंदिर में हैं और अंदर का देख लीजिए वहाँ पे है, इधर हाँ इस तरफ है नागेश्वर महादेव, उनका फोटो खींचने नहीं देगा। और ये माता जी है,
नागेश्वर दर्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, बाहर भी एक बड़ा शिव मूर्ति है, वहाँ पे जाएंगे। चलिए, ये रहा नागेश्वर मंदिर का शिव मूर्ति, दिख रहा है? दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। और ये रहा ये नागेश्वर महादेव के, यहाँ पे इतने सारे कबूतर हैं, और कबूतर हो और स्लो मोशन में कबूतर उड़ाना तो एक बनता ही है। तो मैंने मेरे लड़के ने बहुत सारे कबूतर उड़ाए, बहुत मज़े भी किए, देख ही सकते हैं आप लोग। मेरा लड़का थक गया है कबूतर उड़ाते उड़ाते बेचारा। हाँ, तो हमारा हो गया फाइनली मंदिर दर्शन कंप्लीट। अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ, और जाते जाते फिर से एक बार देख लीजिए यहाँ का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ का रास्ते इतने अच्छे हैं, और मैं ये आपको नहीं दिखाई थी पहले, जाने के टाइम अंधेरा था। तो ये है द्वारिका का मेन गेट, देख लीजिए आप लोग। तो हम लोग अभी निकल चुके हैं, हमारा लंच हो गया है और बहुत टायर्ड हो गए हैं, देख ही सकते हैं सबका हालत क्या हो गया है। मुंह का जगह मुंह नहीं थोप रहा है, हालत ऐसा हो गया। अभी टाइम हो रहा है 3 PM और मन नहीं कर रहा है और नहीं चल रहा है। तो आज का वीडियो, आज का ब्लॉग यही पे एंड करूंगी। और जाने से पहले अगर आप लोगों को इस ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो, द्वारिका जिसकी नाम पे लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब भी जरूर करना, नहीं तो कमेंट भी दे देना, नहीं तो द्वारिका दिस नहीं। सच में बहुत एफर्ट डाल के ये वीडियो मैंने किया है, और बहुत रिस्क लेके, क्योंकि ऊंट के पीठ के ऊपर तो प्लीज प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट बहुत सारा करना, और सब्सक्राइब जरूर करना।